तो दोस्तों आज ब्लॉकचेन वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक में से एक है जो आजकल गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है, और ये वही टेक्नोलॉजी जिस पर सारी क्रिप्टो करेंसी आधारित है, मतलब की सारी जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ही बनाई जाती है। ब्लॉकचेन आज एक बहुत ही ज्यादा हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी में से एक है जो आने वाले समय में बहुत सारी इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर सकता है, चाहे वो बैंकिंग हो, इलेक्शन वोटिंग सिस्टम हो, ई कॉमर्स सेक्टर हो, पेमेंट गेटवे सिस्टम हो, बहुत सारी चीजों को ये डिसरप्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कैसे, आखिर कैसे। तो इसको समझने से पहले आपको ब्लॉकचेन क्या है और ये किस तरीके से काम करता है उसको समझना पड़ेगा। तो सिंपली ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि डिसेंट्रलाइज मैनर में इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। डिसेंट्रलाइज कीवर्ड को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे। तो ब्लॉकचेन के हर एक ब्लॉक में लार्ज नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है और हर एक ब्लॉक एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, लिंक होता है, तो तभी तो भाई इसे नाम है ब्लॉकचेन। लेकिन हो सकता है कि आप सोच रहे हो आखिर ये किस टाइप का डाटा स्टोर करता है, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने आपको 10 बिटकॉइन सेंड किए और आपका नाम हर्ष है, तो एक ब्लॉक में ये इन्फॉर्मेशन स्टोर होगा कि प्रिंस ने हर्ष को 10 बिटकॉइन दिए और ये किस आईपी एड्रेस में सेंड हुआ, किस आईपी एड्रेस में रिसीव हुआ, कितने की ट्रांजेक्शन हुई, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से ब्लॉक में स्टोर होते जाती है। तो हर एक ब्लॉक एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो अगर आप एक ब्लॉक के भी इन्फॉर्मेशन को चेंज या फिर डिलीट करने के बारे में सोचोगे तो ये आसानी से पता लग जाएगा कि इस चेन में से यहाँ से कुछ मिस है, समथिंग इज मिसिंग। तो ये बिल्कुल भी भाई पॉसिबल नहीं है, तो ये करने के बारे में सोचना मत। अब जरा डिसेंट्रलाइज का मतलब भी समझ लो, तो भाई इसका सिंपल सा मतलब है कि अब यूजर और रिसीवर के बीच में कोई भी मेडिएटर नहीं होगा, जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो पीयर टू पीयर होगा, सारी परमिशन आपके हाथ में होगी, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी मतलब थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जैसे हम जब भी कहीं मनी ट्रांसफर करते हैं तो यूजर और रिसीवर के बीच में हमेशा बैंक का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो हमारे डाटा को ट्रैक करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जो कि एक सही बात भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने किसी को गलती से बिटकॉइन ट्रांसफर कर दिया तो भाई इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। देखो यार, आप इसे बहुत सारी स्टैंड पॉइंट से देख सकते हो, बहुत लोग इसके साथ भी हैं और बहुत लोग इसके खिलाफ भी हैं, तो इसके भाई बेनिफिट भी है और डिसएडवांटेज भी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से यूज करते हो। तो भाई यही था पूरा ब्लॉकचेन, और मुझे नहीं लगता कि आपको इतने आसानी से कोई समझा पाया होगा। अब जरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप आइडिया भी देख लेते हैं जो आप देखने आए हो, तो इसी के लिए तो आए हो। तो दोस्तों पहले आइडिया को समझाने से पहले आप इसकी प्रॉब्लम को समझो कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो अभी तक क्या होता था, जब भी हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री मनी ट्रांसफर करना होता था विद द हेल्प ऑफ बैंक या फिर अदर पेमेंट गेटवेज, जैसे मुझे इंडिया से लंदन पैसा भेजना है या फिर यूएस पैसा भेजना है, तो उस चीज के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा कमीशन लगता था, लगभग 5-10% कमीशन फीस लगती थी, चार्ज लगता था। जैसे अगर $1,000 मैं कहीं भेज रहा हूँ यूएस या लंदन में, तो उसमें से $50 या $100 मेरे कट जाते थे, जो बहुत एक लार्ज नंबर होता था। और यही सेम सिचुएशन होती थी जब मुझे दूसरी कंट्री से इंडिया में कोई मनी ट्रांसफर करता था, तो भाई ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ पर बैंक एज ए मिडल मैन वर्क कर रही है और हर एक ट्रांजैक्शन पर कुछ परसेंट फीस कट कर रही है, जो कि सच में पेनफुल एक्सपीरियंस होता है अगर आप भी मेहनत से पैसे कमाते हो। लेकिन ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन आपको पता होगा कि 1-2 दिन लग जाते थे इंटरनेशनल बैंक से नेशनल बैंक में मनी ट्रांसफर करने में, क्योंकि आपकी बहुत सारी वेरिफिकेशन की जाती थी, जैसे किस पर्पज से आप पैसा भेज रहे हो, ये लीगल है या इनलीगल पैसा है, आपका पर्पज क्या है, बहुत सारी चीजें चेक होती थी, और इस पूरे प्रोसेस में 1-2 दिन पूरे लग जाते थे, जो कि बेकार बात है। लेकिन जब से ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई है, इसने पूरे बैंकिंग सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया और लगभग पूरे मनी ट्रांसफर मेथड को इवॉल्व करके रख दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर पर काम करती है और कोई भी थर्ड पार्टी की इस बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो भाई इन्हीं सब चीजों को देख के, इन सारी बेनिफिट को देखकर, एक यूएस का स्टार्टअप है जिसका नाम है रिपेल, उसने एक ऐसा एप्लीकेशन डेवलप किया है जिसमें आप दुनिया के किसी भी कोने से मनी ट्रांसफर कर सकते हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे नेशनल हो, या चाहे कुछ भी हो। और इसके लिए आपको बिल्कुल ना के बराबर पैसे पे करने पड़ेंगे, चार्जेस देने पड़ेंगे, जो लगभग 10 रुपए के आसपास होंगे। यकीन नहीं आ रहा तो आप इसे पढ़ सकते हो। 1 XRP की कॉस्ट $0.29 होते हैं, और ये आपसे 1 XRP भी नहीं ले रहे, मतलब ये कितना ज्यादा कम चार्जेस है, मतलब आप एक हिसाब से इसे बिल्कुल फ्री सर्विस ही मान सकते हो। मुझे तो भाई इनका आइडिया बहुत ज्यादा कमाल का लगा। वैसे इस स्टार्टअप ने अभी तक $293 मिलियन की करीब फंडिंग रेज किया, जो लगभग 21,000 करोड़ के आसपास होते हैं। मुझे तो भाई
इनका आइडिया बहुत ज़्यादा कमाल का लगा और ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस टेक्नोलॉजी से और क्या डेवलप कर सकते हो, क्या इवॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने सेकंड आइडिया पे जो मुझे बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगा। तो अभी तक क्या होता था, जब भी हम किसी पार्टी को वोट करते थे, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, इन सबको हम जब वोट देते थे तो आपने हमेशा न्यूज़ में सुना होगा एक पार्टी हारने के बाद हमेशा दूसरों पर ही आरोप लगाती, कोई ईवीएम मशीन को बुरा भला कह रहा है, कोई कह रहा है कि वोटिंग सिस्टम खराब है, हमारे वोट सही से गिने नहीं जा रहे, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, बिल्कुल भी यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जब हम वोट देते हैं तो हम एक थर्ड पार्टी पर पूरे तरीके से डिपेंड हो जाते हैं कि वो हमारे वोट सही से गिनेगी कि नहीं, और सच में इसका क्या गारंटी है कि वो हमारे साथ फ्रॉड नहीं करेगी और हमारे वोट को सही तरीके से गिनेगी, क्योंकि भाई हर एक चीज की कीमत होती है, तो भाई उनका क्या भरोसा। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम को देखकर ये स्टार्टअप फाउंड हुआ है जिसका नाम है फॉलो माई वोट, जो कि एक यूएस बेस्ड स्टार्टअप है। इसने ब्लॉकचेन की हेल्प से एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें जब कोई भी बंदा वोट देता है तो इनके वोटिंग मशीन से वो सारा डाटा ब्लॉकचेन के ब्लॉक में सेव हो जाता है। और आप जानते हैं कि ब्लॉक में कोई भी डाटा कितना ज़्यादा सिक्योर है, सारी इन्फॉर्मेशन कितना ज़्यादा सिक्योर है, लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि कोई भी बंदा उसे हैक कर पाए या चेंज कर पाए। और मस्त बात तो ये है कि आप अपने वोट को खुद वेरीफाइड कर सकते हो कि उसे गिना गया या नहीं। तो भाई इनका आइडिया भी बहुत ज़्यादा कमाल के, इसमें आपको पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंसी मिलती है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये स्टार्टअप बहुत ज़्यादा कमाल मचा सकता है, पूरे वोटिंग सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। जब मैं इस आइडिया की रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा कि लंदन की एक छोटी सी जगह पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही वोटिंग करवाई गई, जिसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत लोगों ने तारीफ की, बहुत अच्छा रिव्यू मिला। और शायद आने वाले समय में लंदन इसी टेक्नोलॉजी को अपने वोटिंग सिस्टम में भी यूज़ कर सकता है। तो भाई आइडिया कमाल का, बहुत ज़्यादा एक हिसाब से बहुत ही कमाल का है। अगर आप चाहे तो एक ऐसा ऐप बना सकते हो, जो मुझे लगता है जो लोगों को वोटिंग करने में हेल्प करे विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको भी इलेक्शन कमीशन के लिए वोटिंग मशीन बनानी है, मैं बस इस स्टैंड पॉइंट से कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा जैसे कॉलेज हो गया या फिर सोसाइटी हो गया, तो वहां पर हमेशा वोटिंग की जाती है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन मॉनिटर बनेगा, ये जो छोटी छोटी सी बकचोदियां होती है ना। तो आप इसके लिए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकते हो, एक ऐसा ऐप डेवलप कर सकते हो जो कि वोटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। मुझे लगता है कि इस तरीके का ऐप बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है, क्योंकि आज वोटिंग एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वे है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, सारे लोग वोटिंग से डिसीजन डिसाइड करते हैं। तो भाई मुझे तो अगर आप एक ऐसा छोटा सा प्लेटफॉर्म बना सकते हो तो बहुत ज़्यादा कमाल हो सकता है। तो दोस्तों थर्ड आइडिया पर मैंने खुद का आइडिया रखा, लगभग 70 से भी ज़्यादा ब्लॉकचेन पर स्टार्टअप पढ़ने के बाद मुझे कोई सा भी आइडिया बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना यार अपना आइडिया ही लोगों को बताया जाए। लेकिन इस आइडिया को समझने से पहले आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ बेसिक बता दूं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो यार, जो भी क्रिप्टो करेंसी होती है वो एक डिजिटल करेंसी है और इसकी वैल्यू पूरे तरीके से डिपेंड होती है डिमांड और सप्लाई पे, कि उसे कितने लोग खरीद रहे हैं और एक समय में कितने लोग बेच रहे हैं। और हाँ, ये भी पूरे तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही बेच रहे, तो इसमें भी कोई भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मतलब इसमें भी पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होते हैं। अब आपके दिमाग में ज़रूर एक क्वेश्चन आ रहा होगा जो मुझे पहले सॉल्व कर देना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया, जब कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इन सब चीज़ों को मैनेज कर कौन रहा है, पेमेंट वेरीफाइड कर कौन रहा है। तो भाई जो ये सारी चीज़ें करते हैं उन्हें माइनर्स कहते हैं, जो हर एक ट्रांजैक्शन को क्लियर और वेरीफाइड करते हैं, और ये सिर्फ एक या दो की संख्या में नहीं होते, लगभग मिलियंस में होते हैं और ये पूरे दुनिया में फैले हुए होते हैं। और जब कोई भी माइनर कोई ट्रांजैक्शन वेरीफाइड करता है तो इन्हें रिवॉर्ड में बिटकॉइन जैसी करेंसी मिलती है जो बहुत ज़्यादा महंगी है, आप जानते हो। आप भी अपने पर्सनल कंप्यूटर को एक क्रिप्टो माइनर बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका जो सीपीयू होना चाहिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, अगर है तो बना लो। आज जो बिटकॉइन, इथेरियम और डॉगकॉइन जैसी करेंसी होती है, इनकी वैल्यूएशन लगभग बिलियन में है। बिटकॉइन को देख लो, 615 बिलियन डॉलर की इसकी वैल्यूएशन है, इथेरियम की 290 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो कि सच में एक कितनी कमाल की बात है। सिर्फ एक कोड की वैल्यू है इतनी ज़्यादा, कितनी अजीब बात है यार, एक कोड है, एक प्रोग्राम है, उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू है, मतलब कोई भी उसकी फिजिकल अब्सेंस नहीं है, मतलब उसको ना हम फील कर सकते हैं ना टच कर सकते हैं, बस एक कोड है। तो मेरा आइडिया क्या है कि आप खुद का एक क्रिप्टो बनाओगे अगर आपको आता है तो, अगर नहीं आता तो भाई आपको सीखना पड़ेगा, इसमें हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो जैसे मान लो मैंने अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाई है प्रिंस कॉइन के नाम से, फिर इसके बाद आप क्या करोगे, आप एक खुद का प्लेटफॉर्म डेवलप करोगे जिसमें बहुत सारे जिम के साथ आप टाई अप करोगे, मतलब एक पूरा कम्युनिटी बेस्ड जिम बनाओगे। तो आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जो जो उसमें जिम तो ज्वाइन कर लेते हैं और साल भर का या फिर महीने भर का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ 5 से 6 महीने थोड़ी बहुत मसल वसल बना के, मतलब मेहनत करके उनका पूरा जोश उतर जाता है, कहीं से हड्डी वड्डी और चटका लेते हैं जो मैंने चटकाया था। तो इसमें वो हमारे प्रिंस कॉइन की हेल्प से जिम ओनर को डेली बेसिस पे करेंगे
और लेकिन जब कोई भी हमारे प्लेटफॉर्म को फर्स्ट टाइम यूज करेगा तो उसको पहले प्रिंस कॉइन को खरीदना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, जिससे वो जिस जिम में भी चाहे वहां पर जाके जिम कर सकता है जिसका हमारे साथ टाइप होगा। लेकिन प्रिंस कॉइन की हेल्प से ही उसे वो सारे ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे। आपको लग रहा होगा यार इससे क्या होगा, लेकिन आपको बता दूं कि जो डॉग कॉइन क्रिप्टो करेंसी इसकी स्टार्टिंग भी कुछ ऐसी हुई थी जहां पर रेडिटर एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करने के लिए डॉग कॉइन को एक्सचेंज करते थे, और आप आज देख ही सकते हो कि उसकी वैल्यूएशन कितनी ज्यादा हाई है। और जब प्रिंस कॉइन की भी डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक प्रिंस कॉइन की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। हमें बस एक मौका चाहिए जिससे हम क्रिप्टो मार्केट में सर्वाइव कर सके, और ये मुझे बेस्ट वे लगा एक अच्छी सर्विस लोगों को प्रोवाइड करवा के। इस आइडिया में आपको बहुत सारे ड्रॉबैक आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जब आप आइडिया एग्जीक्यूट करोगे तो वो टाइम टू टाइम सॉल्व होते जाएंगे, क्योंकि भाई मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो मेरी इमेजिनेशन है मैं वही आपको बता रहा हूँ। अगर मुझे पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा तो मुझे महीनों महीनों इस पे काम करना पड़ेगा, जो कि मेरे पास है नहीं। तो मैं ये पूरे तरीके से आप पे छोड़ता हूँ कि आप इस आइडिया को और ज्यादा निखार के लाओ और ज्यादा इसको बेहतर बनाओ, और आप एक और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आपने देखा होगा जो OTT प्लेटफॉर्म होते हैं लाइक नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, Hotstar, जो मंथली सब्सक्रिप्शन पर चलते हैं, तो मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिन्हें सिर्फ 2 या 3 मूवी या वेब सीरीज देखने होते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज के लिए नेटफ्लिक्स का पूरा मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो आप यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाकर जिसमें लोग प्रिंस टोकन का यूज करके सिर्फ वही मूवी या वेब सीरीज देख पाए जो उन्हें देखना है। हार्ड तो बहुत लग रहा है, लेकिन अगर आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्या पता हजारों में कोई एक जीनियस निकल जाए जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, जो मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रहा है। लेकिन इससे क्या होगा, प्रिंस कॉइन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी। या फिर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हो जो ब्लॉकचेन की हेल्प से हमें फुल सिक्योर मेल सर्विस प्रोवाइड करवाए, क्योंकि मेल आज सबसे ज्यादा जरूरी होता है लोगों के लिए। तो आप इसकी सेफ्टी का अगर हिसाब रखते हो तो लोग आपको इसके लिए भी पे कर सकते हैं। अब देखो यार, मुझे जितना पढ़ा था समझा था मैंने सब आपको कुछ बता दिया। अब आपके ऊपर है कि आप इन आइडिया को किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हो। मेरे तरफ से भाई बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जो मर्जी जिस तरीके से भी सपोर्ट कर सकते हो कर देना। तो आज के लिए बाय।